राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 31वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस जूडो प्रतियोगिता में 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन की ओर से इंदिरा गांधी खेल परिसर में राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता करवाई जा रही थी। इस प्रतियोगिता में शिमला ओवरऑल विजेता बना और सोलन दूसरे स्थान पर रहा। इसमें शिमला ने 130 पॉइंट और सोलन ने 120 हासिल किए। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रताप वर्मा रहे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं प्रदेश जूडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस जूडो चैंपियनशिप में 8 जिलों के 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि 22 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया, जिसमें 7 सीनियर वर्ग से, 8 जूनियर वर्ग से और 7 बच्चे कैडेट वर्ग से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुने गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता करवाने का मकसद बच्चों को नशे से दूर रखना है। सुरेंद्र ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। सुरेंद्र ठाकुर, एचपी स्टेट जूडो एसोसिएशन। आज हमारे मैं सुरेंद्र ठाकुर, एचपी स्टेट जूडो एसोसिएशन। आज हमारे सीनियर वर्ग की जो राज्य स्तर की जूडो प्रतियोगिता थी, उसका समापन समारोह हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राज्य जूडो संघ के अध्यक्ष श्री प्रताप वर्मा जी थे। हमारे इस प्रतियोगिता में 8 जिलों से 120 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें कि सीनियर और कैडेट और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता थी। अलग अलग कैटेगरी से 8 बच्चे जूनियर वर्ग से, 7 कैडेट से और 7 ही सीनियर वर्ग से राष्ट्र स्तर के लिए इनका चयन हुआ है। क्या मकसद रहता है सर इस तरह की प्रतियोगिता करवाने का? हाँ, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जिस तरह से खेलों का आयोजन है वो चलते रहना चाहिए। शारीरिक और दूसरी मानसिक जो भी व्याधियाँ रहती है बच्चों के अंदर, वो बिल्कुल ठीक रहती है। और दूसरा, राज्य सरकार ने 3% जो कोटा आरक्षित किया है खेल नीति के तहत, तो उससे भी बच्चों को आगे, कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या चाहे सरकारी नौकरी है, उसमें जो स्पोर्ट्स का बेनिफिट मिलता है। प्यार टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।